हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बहुत अच्छा सा एक ब्राइडल मेकअप बताने जा रहे हैं, जो अभी इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है ये ब्राइडल मेकअप। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम क्लाइंट के फेस पे टोनिंग करेंगे। टोनर मैंने मैक का यूज़ किया है इसमें। अब मैं मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ एम्ब्रॉयलिस क्रीम से। अब जहाँ पर आपको लगे कि कंसीलिंग की नीड है, वहाँ वहाँ हम लोग कंसील करेंगे। कंसीलिंग के लिए मैं मेकअप स्टूडियो की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। जहाँ पर भी अनइवन स्किन टोन लगे, कंसीलिंग केवल वहीं पर ही करनी है। अगर आप कंसीलिंग हल्की हल्की करेंगे तो लाइंस नहीं आती, नहीं तो अंडर आई एरिया होता है उस पर लाइंस क्रिएट हो जाती है अगर हम कंसीलिंग हैवी कर देते हैं तो। थोड़ी सी आइज़ के ऊपर भी मैंने करी है। इसके बाद अगर आपको मेरे को लग रहा था इनकी स्किन कहीं कहीं से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं वहाँ पे एक बार दोबारा से मॉइस्चराइजिंग कर रही हूँ, क्योंकि बेस लगाने के बाद और ज़्यादा ड्राई होने लगता है स्किन। अब मेकअप स्टूडियो ब्रांड का मैं इनके बेस लगा रही हूँ स्किन टोन से, एक टोन लाइटर। इसको भी हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में लगाएंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर आपको एयर ब्रश मेकअप बताने वाले हैं, इसलिए बेस बहुत कम क्वांटिटी में लगाना है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। फाउंडेशन पूरा नेक कवर करना है। जहाँ पे आपको लगे ड्राइनेस ज़्यादा है, वहाँ पे पैट पैट करेंगे अपने फिंगर से। लाइट कंटूरिंग करेंगे, क्योंकि फेस कट वैसे ही बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा कंटूर करने की नीड नहीं है। हल्का सा मैं लिक्विड ब्लशर कर रही हूँ, ताकि एक नेचुरल पिंकिश ग्लो आ जाए। हाइलाइटिंग एरिया पे हाइलाइटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। टार्ट ब्रांड का हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं एयर ब्रश से बेस बना रही हूँ दोबारा से, ताकि फेस पर और फिनिशिंग आ जाए ज़्यादा, और एक अच्छा सा लास्टिंग रहे मेकअप की, और बहुत अच्छा सा ग्लो आए फेस के ऊपर। एयर ब्रश के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं देखिए इससे ही कॉन्टोर भी कर रही हूँ लाइट लाइट फिर से। इसके बाद हम लोग जो लाइन्स हैं उनको डैप डैप करके, उसके बाद अंडर आई के नीचे हम लोग लूज पाउडर अप्लाई कर रहे हैं। जितनी भी लाइन्स आए उससे पहले, पाउडर लगाने से पहले हम उन लाइन्स को फिंगर से डैप करेंगे, ताकि वो लाइन्स हट जाएं। अच्छे से पूरी फेस पर, नेक पर हमें पाउडर लगाना है, लूज़ पाउडर जो है। इसके बाद हम लोग जो बेस बन चुका है उसको मेकअप फिक्सर से फिक्स कर देंगे। अब आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने आई बेस लगाया है, जो कि आप कोई भी कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। कंसीलर का यूज़ करने के बाद थोड़ा पाउडर लगाया, ताकि वो ड्राई हो जाए। अब मैं लाइट आई शेडो इनकी आईज़ पे अप्लाई करूँगी। इनको बहुत लाइट मेकअप चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, न्यूट सा मेकअप चाहिए, इसलिए हम लोग लाइट आई शेडो का ही यूज़ करेंगे। बस इनको थोड़ा सा आउटर स्मोकी चाहिए, बाकी इनको न्यूड मेकअप चाहिए था, तो उस हिसाब से हम लोगों ने पहले लाइट आई शेड्स का ही यूज़ करेंगे, और लास्ट में हम थोड़ा सा डार्क आउटर से कर देंगे। प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड करेंगे।
ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। इनर में मैंने थोड़ा ग्लिटर वाला आई शेडो यूज़ किया है। आईब्रोज के नीचे भी हाइलाइटर का यूज़ करेंगे। थोड़े से पिगमेंट्स का मैं यूज़ करूँगी। आउटर थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया क्योंकि क्लाइंट की इच्छा थी कि थोड़ा सा आउटर उनका डार्क शो हो। अब के ब्यूटी का लाइनर लेके मैंने आईलाइनर पे आईलाइनर को अप्लाई किया है। मैक का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं आईलैशेस पर। अब मैंने PSC ब्रांड की इनको मिंक आईलैशेस लगाई हैं। थोड़ा पाउडर ब्लशर भी करेंगे ताकि जो नीचे हमने लिक्विड ब्लशर लगाया है वो पैक हो जाए पाउडर ब्लश से। अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्लशर को भी स्माइल कराते हुए ताकि जो चीक्स है उसके ऊपर से अच्छे से हमारा जो ब्लशर है वो ब्लेंड हो जाए। इसके बाद हम लोग सुपर स्टे मैबलिन की जो लिपस्टिक है वो अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल लाइट शेड। इसके बाद हम लोगों ने हाइलाइटर की एप्लीकेशन करी। सब हाइलाइटिंग एरिया पे करना है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमने ब्लेंड करके हटा दिया। अब मैं आईब्रोज की शेप दे रही हूँ PSE ब्रांड के जेल आईब्रो डिफाइनर से। ब्रश से इसको ठीक करेंगे हेयर्स को। इसके बाद मैं जो लोअर लैशेस होती हैं उस पर PSE ब्रांड का लोअर लैश मस्कारा अप्लाई करूँगी ताकि नीचे की आई लैशेस भी अच्छे से इन्हेंस हो। इस तरह से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।